ओके okay, देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है न्यूमेरिकल है ये कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल 96,000 सिक्स थाउजेंड कूलम इज ऑफ चार्ज इन वन आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट तो डेटा देखते हैं भाई ये क्या है 96,000 कूलम मतलब क्यू का वैल्यू दिया है क्यू कितना दिया है 96,000 कूलम हीट जनरेटेड कंप्यूट करो मतलब दे वॉन्ट टू फाइंड हीट हीट निकालो वन आवर टाइम कितना दिया है वन आवर एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट तो ठीक है हीट निकालते हैं भाई हमारे हीट का रेगुलर uh, फार्मूला क्या है व्हाट इज आवर फार्मूला जिसमें हमारा क्यू भी आता है हाँ वी भी आता है टी भी है तो ऐसा कोई फार्मूला है बिल्कुल है हमारा हीट मतलब ही क्या होता है वर्क डन है ना हीट मतलब ही क्या होता है वर्क डन सही है वर्क का फॉर्मूला क्या है मतलब W डब्ल्यू का फार्मूला क्या रहता है वी क्यू है ना तो हमारे पास वोल्टेज और क्यू का वैल्यू है क्या बिल्कुल है तो बस उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इफ़ यू मल्टीप्लाई विल गेट आवर आंसर तो चलो ठीक है हीट इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है फिफ्टी इन क्यू का वैल्यू कितना है नाइनटी सिक्स थाउजेंड बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एच विल बी इक्वल टू फाइव सिक्सा थर्टी पहले जीरो जीरो को सेपरेट कर लेते हैं फाइव इन नाइन्टी सिक्स एन टू टेन टू द पावर कितना थ्री एंड वन फोर फाइव टू नाइन्टी सिक्स कर लेते हैं फाइव सिक्स ज थर्टी थ्री कैरी फाइव एन जो फोर्टी फाइव प्लस थ्री फोर्टी एट एन टू टेन टू द पावर फोर तो दैट विल बी यही तुम्हारा आंसर है टेक्निकली बट इफ़ यू वॉन्ट टू राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लिख सकते हैं फोर पॉइंट एट इन टू टू दावर सिक्स जू तो विच फार्मूला हैव वी यूज टू कैलकुलेट दिस एच इज इक्वल टू वीक डायरेक्टली वैल्यूज क्वेश्चन में दिए है खाली पुट कर लो आपका काम हो जाता है रही बात ये टाइम की तो टाइम की जरूरत नहीं पड़ी इवन दो इट इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन हमको ये आंसर निकालने के लिए टाइम की जरूरत नहीं पड़ी